हेलो फ्रेंड, आज के इस ट्रांसफर न्यूज के वीडियो में एक से बढ़कर एक रोचक ट्रांसफर अपडेट है। व्हाइल आई बिगिन द वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में बताइए आने वाले सीजन में आप फेडरिको गायगो को दोबारा नॉर्थ ईस्ट मैदान एफसी के जर्सी में देखना चाहते हैं या नहीं। यहाँ पे गाइस सबसे पहले बात करते हैं आईएसएल के नया अप्रूव फॉर्मेट के बारे में। तो गाइस अगले सीजन से आईएसएल के प्लेऑफ में बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे किया गया है। जी हाँ, अगले सीजन से आईएसएल पॉइंट्स टेबल के टॉप टू टीम्स तो सेमीफाइनल में पहुंचेंगे ही, लेकिन गाइस जो तीसरा और चौथा टीम होंगे उन टीमों को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए पांचवा और छठा टीमों के खिलाफ एक नॉकआउट मैच खेलना होगा। दोस्तों, पॉइंट्स टेबल के तीसरा टीम यहाँ पे छठा टीम के खिलाफ खेलेंगे और उस मैच में जो स्टेडियम होंगे वो तीसरे मैदान पे रहे टीम के होम स्टेडियम होंगे। जी हाँ, यानी तीसरे पोजीशन पे रहे टीम को यहाँ पे होम एडवांटेज मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, सपोज नॉर्थ ईस्ट मतलब एफसी यहाँ पे तीसरे पोजीशन पे है और एफसी गोवा छठे पोजीशन पे है, तो गाइस यहाँ पे नॉकआउट मैच में इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम को इस्तेमाल किया जाएगा और नॉकआउट मैच इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम जो कि सरोसजाई में है वहाँ पे खेला जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मतलब एफसी को बेइंग ए थर्ड प्लेस टीम होम एडवांटेज मिल रहा है। सिमिलरली दोस्तों, पॉइंट्स टेबल के चौथा और पांचवा टीम भी यहां पे एक दूसरे के खिलाफ एक नॉकआउट मैच खेलेंगे और इस मैच में होम एडवांटेज फोर्थ पोजीशन पे रहे टीम को मिलेंगे। दोस्तों, पॉइंट्स टेबल के टॉप टीम यानी लीग विनर के साथ तीसरे और छठे टीम के बीच में हुई मैच का विनर खेलेंगे और दूसरे मैदान में रहे लीग रनर अप के खिलाफ प्लेऑफ में चौथे और पांचवे पोजीशन के बीच हुए मैच की विनर खेलेंगे। तो गाइस, एक कमाल का फॉर्मेट यहां पे एसएसडीएल ने तैयार किया है जो कि ज्यादा से ज्यादा क्लबों को यहां पे प्लेऑफ में क्वालिफाई करने का अपॉर्चुनिटी देंगे। एंड आई थिंक दिस इज ए फेयर फॉर्मेट क्योंकि एडवांटेज भी है और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी क्लबों को दिया जा रहा है। गाइस, आप सभी को पता ही है आईपीएल इज लाइव और आईपीएल के सीजन में ये साइट आपको रजिस्ट्रेशन पर 51 रुपए एज ए फ्री बेट देंगे। इसी के साथ फर्स्ट डिपॉजिट में 25,000 तक के बोनस यहाँ पे मिल सकते हैं। Hey cricket fans, this season is on fire. 24/7 लाइव कस्टमर सपोर्ट के साथ साथ यहां पे आप सभी मैचेस फ्री में देख सकते हैं। काफी एक्साइटिंग प्राइजेस जैसे एचपी लैपटॉप, वन प्लस 9 प्रो मोबाइल एंड गैलेक्सी वॉच आपको जीतने को मिलेंगे। आप अपने फैंटेसी टीम बनाइए और अपने फेवरेट डिपॉजिट मेथड में 60 रुपीज का कैशबैक पाइए। Grab a 150% bonus on your first deposit. Don't miss out. Grab it now. लिंक कमेंट सेक्शन में पिंड है तो अभी चेक कीजिए। दोस्तों, ईस्ट बंगाल ने इसी बीच विशाल केत को एक प्री कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन किया है। दोस्तों, विशाल केत जो कि काफी सालों से चेन्नई एफसी के कस्टोडियन बने रहे हैं, अब गाइस ही मे मूव टू ईस्ट बंगाल टू बी देयर नंबर वन गोलकीपर। दोस्तों, विशाल केत ने इंडियन नेशनल टीम को भी टाइम टू टाइम एज ए थर्ड चॉइस गोलकीपर रिप्रेजेंट करते आए हैं। तो गाइस, ही इज ए गुड गोलकीपर और ईस्ट बंगाल अगर यहाँ पे विशाल केत को यहाँ पे साइन कर लेंगे तो दिस विल बी ए ग्रेट साइनिंग फॉर द क्लब। केरला यूनाइटेड एफसी के प्लेयर मोहम्मद शफीफ के ऊपर इस वक्त आईएसएल के तीन क्लब इंटरेस्टेड है। जी हाँ, चेन्नई एफसी, जमशेदपुर एफसी और केरला ब्लास्टर्स इस 25 साल के लेफ्ट बैक के ऊपर इंटरेस्ट दिखा रहा है। ऑनगोइंग संतोष ट्रॉफी और केरला प्रीमियर लीग में भी मोहम्मद शफीफ ने बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश किया था। वो एक वर्सेटाइल प्लेयर है जो कि एज ए मिडफील्डर भी खेल सकते हैं, तो जाहिर सी बात है ही इज वैल्यूएबल एडिशन टू एनी टीम और इसीलिए ही इज गेटिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम आईएसएल क्लब। तो गाइस, एक ऐसा प्लेयर जो स्टेट लीग से उभर के आए हैं और इसीलिए गाइस मैं बार बार ये कहता आया हूँ कि अगर इंडिया को फुटबॉल में बेहतर करना है देन एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज मस्ट कंडक्ट स्टेट लीग। बट एनीवेज गाइस, मोहम्मद शफीफ के लिए ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और आने वाले सीजन में उनके फ्यूचर पे कई निगाहें रहेंगे। दोस्तों, किकस्टार्ट एफसी के खिलाड़ी अजय एलेक्स के ऊपर इस वक्त बेंगलुरु एफसी इंटरेस्टेड है। अजय एलेक्स एक युवा खिलाड़ी है, 21 साल के अजय एलेक्स एज ए मिडफील्डर खेलते हैं। जी हाँ, एक और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जिन्होंने लोकल लीगों में अपने आप को साबित किया है। अजय एलेक्स अगले सीजन बेंगलुरु एफसी के स्क्वाड के हिस्सा हो सकते हैं, व्हिच विल ब्रिंग मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर दिस यंगस्टर टू परफॉर्म बेटर। दोस्तों, अजय एलेक्स इंडियन जूनियर नेशनल टीम के भी कैंप में शामिल हो चुके थे इससे पहले, सो इट्स गॉटन हिम द रिक्वायर्ड मेंटेलिटी टू प्ले इन टॉप प्रोफेशनल लीग। अजय एलेक्स इज इनवाइटिंग इंटरेस्ट फ्रॉम आईएसएल क्लब, लेकिन यहाँ पे अभी तक सिर्फ बेंगलुरु एफसी ने ही अजय एलेक्स के ऊपर इंटरेस्ट दिखाया है। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा आने वाले सीजन में अजय एलेक्स किस क्लब को ज्वाइन करेंगे, बिकॉज आई एम श्योर बेंगलुरु एफसी के अलावा भी यहाँ पे और भी बहुत क्लब्स होंगे जो इस प्लेयर के ऊपर इंटरेस्ट दिखाएंगे। एक और लोकल फुटबॉलर जी संजू इज ऑल्सो इन्वाइटिंग इंटरेस्ट फ्रॉम आईएसएल क्लब। इस बार हम बात कर रहे हैं जी संजू के बारे में जो कि एक डिफेंडर है। 27 साल के जी संजू केरला पुलिस टीम के तरफ से खेलते हैं और इस बार ईस्ट बंगाल क्लब जी संजू के ऊपर इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो गाइस, इस फैसिनेटिंग
थिंकिंग हाउ ईस्ट बेंगल क्लब इज ट्राइंग टू इंक्लूड रॉ टैलेंट इन देयर स्क्वाड। वीडियो के आगे ईस्ट बेंगल से रिलेटेड और भी फैसिनेटिंग न्यूज आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे स्पेसिफिकली जिस संजू के बारे में बात करें तो आई एम श्योर अगर ईस्ट बेंगल इस खिलाड़ी को साइन करते हैं देन ही विल बी डेफिनेटली प्लेइंग इन लोकल टूर्नामेंट्स एज वेल एज इन डूरन कप फॉर ईस्ट बेंगल, क्योंकि जो रिपोर्ट्स मुझे मिला है उसके मुताबिक ईस्ट बेंगल आर बिल्डिंग डिफरेंट टीम्स फॉर डिफरेंट टूर्नामेंट। और ये एक्चुअली सही भी है, ज्यादा से ज्यादा प्लेयर को यहाँ पे मौका मिलेंगे और दे कैन इम्प्रेस द मैनेजमेंट टू गेट अ प्लेस इन द फर्स्ट टीम। लेकिन क्या वो प्लेयर जी संजू होंगे वो आने वाले सीजन में देखने लायक होगा। केरला संतोष ट्रॉफी टीम के कप्तान जीजो जोसेफ इज इनवाइटिंग इंटरेस्ट फ्रॉम टॉप इंडियन फुटबॉल क्लब्स राइट नाउ। 30 साल के इस खिलाड़ी ने रिसेंटली केरला प्रीमियर लीग में केएससीबी टीम के तरफ से फुटबॉल खेले थे और रिसेंटली गाइस संतोष ट्रॉफी में बढ़िया परफॉर्मेंस उन्होंने पेश किया है। एज अ रिजल्ट गाइस केरला ब्लास्टर्स एफसी, चेन्नई एफसी और जमशेदपुर एफसी इस प्लेयर को साइन करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, जीजो जोसेफ अपने साथ तजुर्बे लेकर आएंगे एंड हु नोस अगर उनको आईएसएल में खेलने को मौका मिलेंगे ही कैन राइज एंड शाइन इन आईएसएल। दोस्तों आईएसएल के क्लबों को जीजो जोसेफ के प्रतिभा के बारे में पता है, दे नोज अबाउट हिज एबिलिटीज और इसीलिए क्लबों के बीच उनको साइन करने का कंपटीशन हो रहा है। हाउएवर जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिला है जीजो जोसेफ एसबीआई के साथ कॉन्ट्रैक्टेड है, सो अगर जीजो जोसेफ को यहाँ पे साइन करना है देन क्लब नीड्स टू डील विद एसबीआई एज वेल, जो आई एम श्योर क्लब्स कर लेंगे। लेकिन फॉर द मोमेंट गाइस जीजो जोसेफ इज इनवाइटिंग इंटरेस्ट फ्रॉम आईएसएल क्लब और उनके फ्यूचर के ऊपर भी कई निगाहें यहां पे रहेंगे। दोस्तों एक और लोकल प्लेयर पीएन नौफाल को साइन करने में इस वक्त हैदराबाद एफसी और ईस्ट बंगाल बैटल कर रहे हैं। अगर आप पीएन नौफाल की बात करें तो 21 साल के वो एक अटैकिंग मिडफील्डर है हु कैन बी अ वाइटल एडिशन टू एनी फुटबॉल क्लब। रिसेंटली गाइस केरला के संतोष ट्रॉफी टीम में वो खेल चुके हैं। दोस्तों इस प्लेयर की खासियत ये है कि वो एक युवा है, He has age in his sight और अगर इस प्लेयर को properly nurture किया जाए then he can be the future of Indian football. So guys, definitely PN Nofal एक bright prospect है और इस वक्त हैदराबाद FC along with East Bengal club उनके ऊपर interested है। So guys, let's move to some other interesting news और guys यहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त खबर है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय footballer Ronald Singh बहुत जल्द Manchester United जाएंगे और वहाँ Manchester United FC के star players को मिलके उनके साथ कुछ training session attend करने का opportunity यहाँ पे 14 साल के प्लेयर रोनाल्ड सिंह को मिला है। दोस्तों मिनर्वा एकेडमी से रोनाल्ड सिंह उभर के आए थे, टैलेंटेड प्लेयर है और इसीलिए मैनचेस्टर यूनाइटेड द्वारा इस टैलेंट को बढ़ावा देने की कोशिश किया जा रहा है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो से मिलने का मौका यहाँ पे रोनाल्ड सिंह को मिलेंगे। क्या मुझे इस विषय पे एक डिटेल वीडियो बनाना चाहिए? इफ यू वांट अ डिटेल वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना, बट यू नो दिस इज अ ग्रेट न्यूज नॉट ओनली फॉर इंडियन फुटबॉल बट फॉर रोनाल्ड सिंह एज वेल, क्योंकि व्हेन यू मीट प्लेयर्स लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो आप उनको देखकर ही काफी कुछ सीख सकते। So guys, keep an eye on this player in the upcoming season. All right guys, अब अपडेट आ रहा है JSW यूथ कप से और सुदेवा दिल्ली एफसी ने यहाँ पे JSW यूथ कप जीत लिया है। दोस्तों ये एक अंडरएज टूर्नामेंट है जहाँ पे कई स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। इंडियन नेशनल टीम के हेड कोच इगर स्टिमाच, गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधु और उदंत सिंह भी फाइनल में मौजूद थे और बच्चों के साथ उन लोगों ने इंटरेक्शन भी किया। तो गाइस, एक गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दिस किड्स टू प्ले इन विन इन फ्रंट ऑफ प्लेयर्स लाइक गुरप्रीत, उदंत एंड इगर स्टिमाच, जो खुद एक समय पे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में खेले थे। JSW यूथ कप जैसे और भी कई टूर्नामेंट्स देश भर में होना चाहिए और इंडियन फुटबॉल के इम्प्रूवमेंट के लिए इन टूर्नामेंट का होना बहुत जरूरी है। सो गाइस, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को ऑफिशियली प्रोटेस्ट किया है। जम्मू एंड कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के इन्वॉल्वमेंट के बिना ही ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने जम्मू एंड कश्मीर में कोचिंग लाइसेंस का कुछ प्रोग्राम आयोजित किया था और इसीलिए गाइस द स्टेट बोर्ड इज प्रोटेस्टिंग और उस मॉड्यूल को कैंसिल करने का डिमांड भी यहाँ पे किया जा रहा है। Now guys, this is a bad move by All India Football Federation. Despite the fact that they are the football governing body in India, किसी स्टेट पर All India Football Federation कुछ करने जा रहे हैं तो at least उसके बारे में स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन को बताना जरूरी है। आप मोनोपोली तो नहीं कर सकते। So guys, इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा ये प्रोटेस्ट आया और अब इसके जवाब All India Football Federation कैसे देंगे वो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। दोस्तों गोवा प्रो लीग में फिर से फुटबॉल फिक्सिंग की घटनाएं सामने आ रही है। जी हाँ, कई सालों से मैच फिक्सिंग की आरोप गोवा फुटबॉल पर रहे थे और गाइस इसके ऊपर आर्टिकल्स भी निकले थे, लेकिन इन सब के बावजूद मैच फिक्सिंग अभी तक गोवा में रुका नहीं और इसीलिए गाइस गोवा फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट चर्चिल अलेमाओ ने यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट के क्राइम ब्रांच को इस मामले में दखल देने की गुजारिश किया है।
जी हाँ, ये जो मैटर है ये मैटर अब सिर्फ और सिर्फ पुलिस ही सॉल्व कर सकते हैं। मैच फिक्सिंग इज एन ऑफेंस और मैच फिक्सिंग फुटबॉल के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करता। सो गाइज, दिस इज समथिंग वी नीड टू इरैडिकेट फ्रॉम गोवन फुटबॉल एट अर्लीस्ट। ऑलराइट गाइज, लेट्स मूव टू सम इंटरनेशनल रेस्पर न्यूज। मैनचेस्टर यूनाइटेड एफसी के फॉर्मर हेड कोच राफ रग्निक अब ऑस्ट्रिया नेशनल फुटबॉल टीम के कमान संभालने वाले हैं। 2024 तक वो ऑस्ट्रिया के साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन गाइज वो फिर भी मैनचेस्टर यूनाइटेड एफसी के साथ एज ए कंसल्टेंट जुड़े रहेंगे। राफ रग्निक के मुताबिक ही विल हेल्प मैनचेस्टर यूनाइटेड एफसी टू बी ए रियल फोर्स अगेन। लेकिन क्या वो वाकई में हो पाएंगे, वो आने वाले सीजन में देखना दिलचस्प होगा। चेल्सी के खतरनाक विंगबैक रिस जेम्स के ऊपर रियल मैड्रिड हाईली इंटरेस्ट दिखा रहा है और गाइस रिस जेम्स को क्लब साइन कर सकते हैं। चेल्सी अकादमी के इस प्लेयर ने इस बार सबको इम्प्रेस किया है अपने परफॉर्मेंसेस से। इंग्लैंड के लिए भी इस विंगबैक ने इंटरनेशनल फुटबॉल खेला है। दोस्तों, अगर रिस जेम्स रियल मैड्रिड को ज्वाइन करेंगे देन दिस मूव विल इन्वॉल्व मिलियंस ऑफ डॉलर। सो गाइस, वी विल कीप एन आई ऑन दिस प्लेयर एज वेल। दोस्तों, अगर आप यहां पे फिर से आईएसएल की बात करें तो ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने यहां पे आरिदाई कब्रेरा को साइन करने वाले हैं। आरिदाई कब्रेरा एक ऐसा प्लेयर है जो इंडियन फुटबॉलिंग सर्किट में अपने आप को साबित कर चुके हैं। दोस्तों, लास्ट सीजन ओडिशा एफसी के तरफ से इस विंगर ने 5 गोल डाले थे एंड नॉट ओनली हिज गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड, अगर हम उनके स्पीड, फिजिकलिटी और वर्क एथिक की बात करें तो गाइस बहुत ही उम्दा किस्म के ये प्लेयर है। सो गाइस, आरिदाई कब्रेरा विल बी ए बिग बिग इंक्लूजन टू ईस्ट बंगाल टीम। नाउ गाइस, लेट्स टॉक अबाउट अनदर न्यूज। और यहां पे एनयूएफसी वर्ल्ड ने इस ट्रांसफर न्यूज के बारे में पब्लिश किया है। जी हां, सीवाई गॉडर्ड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के रडार में है। सीवाई गॉडर्ड टोटेनहम हॉटस्पर के यूथ टीम के हिस्सा थे और गाइस ही वाज विद मुंबई सिटी एफसी एज वेल। सो गाइस, इस वक्त सीवाई गॉडर्ड सेंट्रल कोस्ट मैरिनर्स टीम के हिस्सा है, लेकिन क्या वो आने वाले सीजन में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को ज्वाइन करेंगे, दैट्स ए मिलियन डॉलर क्वेश्चन। और दोस्तों, आने वाले सीजन में सीवाई गॉडर्ड के ऊपर खास नजर रखिएगा, क्योंकि यहां पे अगर सीवाई गॉडर्ड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को ज्वाइन करेंगे देन ही विल बी ए वैल्यूएबल एडिशन टू द क्लब।